हाँ पर हमारे पास में है कुछ बुलेट बॉम्ब्स और कुछ बिजली बॉम्ब्स। और दोस्तों आज हमारे पास में जो दोनों बॉम्ब्स हैं इनके जो नाम है वो बड़े ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों अगर आपको पता है कि इनका नाम जो है वो ये क्यों है तो आप मुझे जरूर से कमेंट्स में बताइए। मुझे दोस्तों लगता है कि बुलेट बॉम्ब का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी जो शेप है वो बुलेट की जैसी होती है, यानी कि गोली की जैसी होती है, भले ही इससे ये थोड़ा सा बड़ा है। और दोस्तों जो बिजली बॉम्ब होता है इसको कई नाम से बुलाया जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो पैकेट है इसके ऊपर लिखा हुआ है बिजली बॉम्ब। और मैंने दोस्तों सुना है कि इसको बीड़ी बॉम्ब या और भी कई नामों से बोला जाता है, तो आप मुझे वो भी कमेंट्स में बताइए कि आपकी तरफ इसको किस नाम से बोला जाता है। और दोस्तों इन दोनों बॉम्ब्स को खोलने के लिए मैं यूज करूंगा एक बार फिर से हमारी इस आरी का और इस पेपर कटर का। दोस्तों हाथों की सेफ्टी के लिए मैं यूज कर रहा हूँ सेफ्टी ग्लव्स का। तो चलिए फिर इसमें से खोलते हैं एक बुलेट बॉम्ब को और देखते हैं उसके अंदर हमें किस तरीके से क्या चीजें देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस वीडियो में दिखाई जाने वाली किसी भी चीज को आप अपने घर पे या कहीं भी बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि आपके लिए जो है डेंजरस हो सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो बुलेट बॉम्ब है इसके ऊपर एक रैपर लगा हुआ है जो कि रेड कलर का है और सिल्वर कलर का भी है। और दोस्तों इस फॉइल को हटाने के बाद में आप देख सकते हैं इसके अंदर जो निकल रहा है वो एक कार्डबोर्ड है नीचे की तरफ, और उसके ऊपर ये फॉइल लिपटी हुई है। तो अब इस कार्डबोर्ड को काटने की करते हैं कोशिश इस पेपर कटर की हेल्प से, देखते हैं कट पाता है या नहीं कट पाता, ये तो टाइम बताएगा। और दोस्तों एक ही बार में हमारा जो पेपर कटर था वो इसके अंदर चला गया, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई। कोशिश करता हूँ इसको बिल्कुल आर पार काटने की। तो अब ये जो है मैंने काट तो दिया है लेकिन ये इससे अलग होने में थोड़ी इसको दिक्कत हो रही है। और दोस्तों मैं यहाँ पर इसको मैंने दोस्तों हटा दिया है और आप देख सकते हैं इसमें से बारूद निकल के नीचे गिरने लगा है, इसीलिए मैंने यूज़ किया था सेफ्टी ग्लव्स का इस बार। और दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर बारूद है और ऊपर ये चीज़ है, इसको भी देखते हैं, उससे पहले देखते हैं कितना बारूद इसके अंदर है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जितना बड़ा ये बॉम्ब था वो पूरा इस बारूद का भरा हुआ था। जैसा कि हमारा सुतली बॉम्ब था उसमें बहुत सारी जगह खाली थी लेकिन इसके अंदर सारा का सारा भरा हुआ है, कोई जगह खाली नहीं है। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये है इसके अंदर का बारूद, काफी सारा बारूद मैं कहूंगा एक छोटे से बॉम्ब के अंदर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में है बिजली बॉम्ब का पैकेट और दोस्तों मुझे लगता है कि इसके अंदर शायद 100 या 50 बिजली बॉम्ब होंगे। तो चलिए एक बार इनको बाहर निकालते हैं और देखते हैं टोटल कितने बॉम्ब्स इसके अंदर हैं। और भाई कम से कम 100 बॉम्ब्स तो हैं यार, इतना तो मैं कह सकता हूँ, 50 से तो ज़्यादा है। आप देख सकते हैं बहुत सारे बॉम्ब हैं सिर्फ इस एक पैकेट के अंदर। और दोस्तों ये जो पैकेट है ये 40 रुपये का था, मैं आपको इसकी रेट भी बता देता हूँ। ये जो बुलेट बॉम्ब का पैकेट है ये 100 रुपये का था, तो ये थी इनकी प्राइसेस। और दोस्तों अब इनको करते हैं साइड में और इसमें से एक बॉम्ब को देखते हैं कि उसके अंदर हमें क्या मिलता है, एक रैंडमली कोई भी एक बॉम्ब उठाते हैं। चलिए ये वाला बॉम्ब जो है इनको मैं करता हूँ साइड में और देखते हैं कि इस बॉम्ब के अंदर क्या है। और दोस्तों बहुत सारा पाउडर या फिर बारूद टाइप का भी इस पॉलीथीन के अंदर निकला है, तो इसको करते हैं साइड में। और हमारा जो ये जो बॉम्ब है इसको करते हैं काटने की कोशिश और इसको खोलने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों एक और तरीका है काटने के अलावा भी कि इसके अंदर देखने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों मुझे लग रहा है कि जो बुलेट बम था ना वो इससे आसानी से कट गया था, भले इसके ऊपर पेपर है वहाँ पर कार्डबोर्ड था। और दोस्तों लगभग वैसी ही चीज़ हमें इसके अंदर भी मिली है जो हमें बुलेट बॉम्ब के अंदर मिला था, आप देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो कम है, वैसा ही ऊपर एक फ्यूज़ है, अंदर बारूद है जो कि मैंने नीचे निकाल दिया। आप देखिए नीचे उसका बेस है जो कि बुलेट बॉम्ब में भी था, और ऊपर जो बुलेट बॉम्ब के अंदर चीज़ थी जो कि हमसे हट नहीं रही थी वो जो है यहाँ पर टूट गई है, वो बेसिकली मिट्टी का कुछ था। आप देखिए ये जो है बिल्कुल बुरादा बन गया। और दोस्तों यहाँ पर है इसका फ्यूज़, और इसका जो फ्यूज़ है वो बिल्कुल हल्का है जबकि हमारे जो बुलेट बॉम्ब का फ्यूज़ था वो इससे थोड़ा सा भारी था, थोड़ा सा अच्छा था। मैं आपको दिखाता हूँ, वो है यहाँ पर, आप देखिए इन दोनों कंपेयर कर सकते हैं, इसे मोटा भी है और अच्छी क्वालिटी का भी है। इसके ऊपर दोस्तों एक अलग ही तरह का मतलब धागा सा होता है जबकि इसके ऊपर सिर्फ पेपर होता है, इसके अंदर धागा होता है, जबकि ये जो है एक अच्छी क्वालिटी का फ्यूज़ है। दोस्तों ये था इस बिजली बॉम्ब के अंदर। दोस्तों मैं आपको एक दूसरा तरीका भी दिखा रहा था इसको खोलने का जो कि मुझे लगता है कि लगभग हर बच्चे ने अपने बचपन में ट्राई तो किया ही होगा, जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ना इसको आप थोड़ा सा ऐसे प्रेस, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ और दोस्तों फिर इसको थोड़ा घुमा के करता हूँ तो इसके अंदर की जो मिट्टी है यहाँ पर जो इसका सपोर्ट था वो टूट जाता है और इसका जो फ्यूज़ है वो बाहर आ जाता है बिल्कुल सीधे ही। और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से करूँगा तो आप देखेंगे इसकी बारूद निकलना शुरू हो जाएगी, और इसको मैं जैसे ही थोड़ा रोल करता हूँ तो सारी बारूद जो है बाहर निकल के गिर जाएगी। और दोस्तों ये इस तरीके के जो बिजली बॉम्ब है इनको चलाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़ है, यानी कि आप थोड़े से बॉम्ब्स में ही काफ़ी मज़ा कर सकते हैं।
लेकिन दोस्तों ये वाले जो बॉम्ब है जो कि हमारे पास में पैकेट है, ये थोड़ा जल्दी छूट जाते हैं, एक बार हमें इसको माचिस लगाने की जरूरत पड़ती है और पूरा खटपट खटपट हो जाता है। तो एक बार इसको भी करते हैं, खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कुछ अलग चीज़ निकलती है, बिल्कुल वही चीज़ होती है। हो सकता है कि सिर्फ इनके कलर में ही अंतर हो, ये वाला रेड है और वो वाले के ऊपर आप देख आपने देखा जो है स्ट्रिप्स टाइप का एक डिज़ाइन है। और चलिए इसको भी उसी तरीके से हटाते हैं जैसा मैंने बाद में किया था, इसको थोड़ा सा दबा करके ये इसका फ्यूज आ गया बाहर। और इसके अंदर भी दोस्तों बिल्कुल वैसा ही है, कोई भी अंतर नहीं है, उतना ही बारूद है, वही मिट्टी है और उसी तरीके से बाहर निकल गया। और दोस्तों इसके अंदर मुझे लगता है लगभग 20-25 बॉम्ब्स तो होंगे। तो दोस्तों ये था इन दोनों बुलेट बॉम्ब्स और बिजली बॉम्ब।